नमस्ते दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने हूँ। आज मुझे अवसर मिला है और आपके सामने आने का। आज मैं स्पेशली किचन में हूँ और आप देख सकते हैं मैं किचन में हूँ और मैं एक नया डिश तैयार करने वाला हूँ। ये डिश मामूली डिश है बट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। ये मैंने खुद से बनाई है तो ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी किया और उन्होंने काफ़ी तारीफ की, तो इसीलिए क्यों ना मैंने सोचा कि भाई चलो इसको शेयर कर दें और देखते हैं इसका क्या आता है रिप्लाई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी जरूर इसको बनाइएगा और घर में टेस्ट जरूर कीजिएगा कैसा लगता है ये। हालांकि तुरंत ही ये खराब होने वाली चीज़ नहीं है, आप महीना भर रख सकते हैं इसको और धीरे धीरे उसको खपत कीजिए, कंज्यूम कीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे और आज हम आपको ये चीज़ दिखाने वाले हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगती है। और बहुत ही सामान्य हर घर में ये होता है, आपको कहीं से बहुत कुछ जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा कि भाई बहुत कीमती चीज़ है, ऐसा वैसा नहीं है। ये स्पेशली चटनी है, मैं आपको बता दूँ तो ये चटनी मैंने खुद से बनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं कैसा ये बनता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है। सो आप जरूर मेरे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, आप भी ब्लॉग तो पे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने धनिया पत्ती लिया हुआ है। ये धनिया पत्ती इसका एक मुख्य ग्रेडियंट है तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा चीज़ है मिर्ची, ये एक्चुअली चिली का ही चटनी है यानी कि हरी मिर्च का, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, विटामिन सी का स्रोत है। और साथ में अगर हमारे पास अचार नहीं है तो हम नींबू का यूज़ कर सकते हैं, नींबू का यूज़ जरूर कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है। और लहसुन दैट इज गार्लिक, ये आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी और ये हर्बल है एक तरह से, शरीर को गर्म रखने वाली चीज़ है ये। सो आप ये सारे चीज़ को हम अभी मिलाएंगे और इसको हम लोग तैयार करेंगे। और दूसरी बात है, अगर आपके पास पिकल है तो कोई भी पिकल हो आप एक पीस उसको ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है तो मैं एक पीस लूँगा और इसको मैं यहाँ मिलाऊँगा और आप देखिए इसका क्या ये करते हैं। पहली बात कि मैं यह बताना चाहूँगा कि इतने सारे लहसुन आप कैसे इसको इसका ये से निकालिएगा, इसको बढ़िया से इसको कैसे निकालिएगा। तो मैंने एक तरीका मैंने अप्लाई किया कि मैं क्या करता हूँ कि उसको ऐसे भिंगो के रख देता हूँ और भिंगो के रखने के बाद मैं इसको जस्ट प्रेस कर देता हूँ। आप देखिएगा मैं कैसे इसको प्रेस करता हूँ। ये जब प्रेस हो गया तो आप इसको धीरे धीरे एक एक करके उंगली में इसको प्रेस कीजिए और वो आसानी से छूट जाएगी और आपको इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं एक उंगली से इसको मैंने प्रेस कर दिया, फिर दूसरे को भी ऐसे मैंने प्रेस कर दिया। इससे क्या होता है कि उसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाता है। तो हम ऐसे करके सारे इतने सारे जो मैंने लहसुन को गार्लिक को तैयार किया, लहसुन को तैयार किया, बस ऐसे ही मैंने इसको तैयार किया। हर एक को ऐसे मैंने पानी में डुबोया पहले और फिर उसको मैंने उंगली से धीरे से दबा दिया और वो ताकि वो पिचक जाए, और पिचकने के बाद उसका जो ये है वो आसानी से छूट जाता है। देखिए इजीली आप एक उंगली से भी उसको कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। अब देखिए कितना इजीली ये निकल जाता है, ये देखिए कितना इजीली निकल गया। अब मैं इसको रख दूंगा। तो ऐसे ही आप इसको लहसुन को छिलका से निकालना बहुत मुश्किल बात नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। और मैंने ऐसे करके इसको ये क्या है तैयार कर लिया है। और फिर मैंने कुछ मिर्चियाँ यहाँ दिए हैं, ग्रीन ग्रीन चिली आप देख सकते हैं, और कुछ मैं ऐड करूँगा इसमें और इनको भी तैयार करूँगा। और फिर मैंने धनिया पत्ती को पहले से उसको काट के रख लिया है। अब आप देखिएगा इसको मैं इसके साथ मिक्स करूँगा और मिक्स करके हमदस्ता में मैं इसको मिक्सअप कर दूंगा बढ़िया से एकदम। तो आप देखिए, हाँ तो दोस्तों अब मैं सारा चीज़ इंग्रेडिएंट मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ एक एक करके सभी को रखूँगा हमदस्ता के अंदर और मैं उसको बढ़िया से उसको मिक्सअप करूँगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ लहसुन को रखूँगा या फिर गार्लिक पिकल को डाल दूँगा। तो सबसे पहले मैं पिकल को देता हूँ हमदिस्ता के अंदर, और कुछ पिकल मेरे पास हैं जो वो मैं यूज़ कर दे रहा हूँ ताकि वो और बेहतर बन सके। फिर
फिर मैं धीरे धीरे लहसुन को डालूंगा। हाथ से बहुत अच्छा होता है तो मैंने हाथ का यूज़ किया। यहाँ हम स्पून का यूज़ करेंगे तो इधर उधर बिखर सकता है लहसुन, सो मैंने इसीलिए हाथ का यूज़ किया है। और देखिएगा मैंने पहले लहसुन को डाल दिया। अब लहसुन को डालने के बाद मैं आता हूँ दूसरे इंग्रेडिएंट पर, वो है हरी मिर्च। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ गार्लिक और ग्रीन चिली का सबसे अहम भूमिका है इस डिश में। इस डिश तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा मेरे तरफ से एक एक्सपेरिमेंट है आप कह सकते हैं। तो ये मैंने हरी मिर्च को डाल दिया। करीबन मैंने 15 से 20 हरी मिर्च यहाँ डाल दिया है काट के। और इसके बाद मैं इसमें रखूँगा कोरिएंडर लीव। अब हमको इसको बढ़िया से मिलाना है, और मिलाने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये सबसे पहले हमने इसको बढ़िया से, आजकल बहुत सस्ती में आपको हरी मिर्च और धनिया मिल जाता है, तो आगे मैं इसको अच्छा से मिक्सअप करूँगा। और मेरे पास ये है, देख सकते हैं, मैं इसको अच्छी तरह से करूँगा। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ अदरक भी दे सकते हैं, हालांकि अदरक मुझे पसंद नहीं है और अदरक उतना हमको अच्छा नहीं लगता है। अदरक डॉक्टर भी मना करते हैं कि ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए अदरक का, है ना, तो हम इसीलिए अदरक यहाँ नहीं देंगे। हम इसको बहुत महीन तो नहीं पीसेंगे और हम मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर हम यूज़ करते हैं तो ये पूरा मिक्स हो जाता है, एकदम दही जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए हम हमदिस्ता का यूज़ करते हैं, ताकि उसका फ्लेवर जो बीच बीच में एक एक आपका खड़ा लहसुन भी मिलेगा उसका फ्लेवर बढ़ाता है। तो आप देखिए, तो हम इसको पूरा उसी तरह से ही मिक्सअप करेंगे। आपको अगर ज़्यादा चिली की ज़रूरत है तो और आप चिली यहाँ डाल सकते हैं, और उसका अलग ही मज़ा होगा, अलग ही टेस्ट होगा। हम इसको इसी तरह से, इसको हमने बढ़िया से इसको मिक्सअप कर दिया। आप देख सकते हैं इसका कलर और कुछ कह रहा है। तो आप अगर अपने स्वाद के अनुसार यहाँ नमक भी दे सकते हैं, काला नमक, या ऐसे ही हम लोगों का टाटा सॉल्ट जो चलता है, टाटा सॉल्ट, उसको भी आप मिला सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। आप पहले चख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने स्वाद के अनुसार आप नमक इसमें डालिएगा। हमारा लगभग ये चटनी तैयार है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बाकी है, जो है सरसों का कच्चा तेल, यानी कि कच्ची गनी का तेल। ये हम यहाँ 1 चम्मच करीबन डालेंगे जब हम लोग यूज़ करेंगे इसे। और नमक, नमक अगर देते हैं आप अपने स्वाद के अनुसार, मैंने पहले ही बताया था, तो आप देखिए इसका टेस्ट इतना खुशबूदार, मतलब इतना मुंह से पानी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा घर में। और इसका मैं तो अभी टेस्ट करूँगा, मैं अभी रोटी के साथ इसको लेने वाला हूँ। और आप जैसे कि बादाम खाते हैं, बादाम के साथ भी इसको चलाएं, आप रोटी के साथ, आप चावल के साथ, हर चीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार टेस्ट करके देखिएगा, आप एक बार इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये फिलहाल ये तैयार है, और मैं अभी यहाँ कच्चे सरसों का तेल देने वाला हूँ, और आप देखिएगा उसका जो ये है बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर इसको एक बार ज़रूर बनाएं, घर में ज़रूर ट्राई करें। देखिए मैं अभी कच्चे सरसों का तेल यहाँ डालने वाला हूँ, और मैं अपने स्वाद के अनुसार इसको दूंगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं दूंगा, जितना हमें चाहिए बस मैंने दे दिया। और अगर आपको खट्टापन इसका कम लगता है तो आप इसमें नींबू, 1 नींबू कम से कम निचोड़ दें, या फिर 1/2 नींबू आपके अनुसार। तो मैं यहाँ नींबू निचोड़ने वाला हूँ, आप देखिए, क्योंकि मैंने पिकल दिया हुआ है तो मैंने 1/2 नींबू का इस्तेमाल किया, और मैं इसको निचोड़ दिया मैंने। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है नींबू निचोड़ने के बाद, क्योंकि आप जितने भी पिकल लेते हैं उसमें सिरका दिया हुआ रहता है, विनेगर, तो हम ये एकदम नेचुरल ले रहे हैं नींबू। और अगर आपके पास पिकल नहीं है तो आप 1 या 1.5 नींबू आप इसमें दे सकते हैं, इसका खट्टापन बरकरार रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट इसका। सो देखिए, अब मैं इसको
करने वाला हूं कि इसको मैं बढ़िया से मिला दूंगा। अब देखिएगा, ये मेरा अभी तैयार हो गया चटनी। ये चटनी मेरा स्पेशल है, मैं इसको हमेशा लेता हूँ। देखिए, हरी मिर्च हर दाने में, हर चम्मच में आपको हरी मिर्च नज़र आएगी और हमको बहुत अच्छा लगता है ये। आप ज़रूर इसका एक बार कोशिश करें, घर में बनाएं और इसको टेस्ट कीजिए, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये हफ्ता भर महीना भर रह सकता है, क्योंकि आप नमक का मात्रा भी देते हैं। मैंने यहाँ काफ़ी एक्चुअली जो पिकल दिया था उसमें काफ़ी नमक रहता है, तो मैंने नमक नहीं दिया है। नमक मैं अभी भी दे सकता हूँ, कोई ये नहीं है, मैं अभी भी नमक दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा नमक इसमें दूंगा ज़रूर, ताकि ये ज़्यादा दिन तक रहे। मैंने नमक दिया और इसको हमने फिर से पाइल कर दिया, अच्छा से मिक्सअप कर दिया मैंने। अब हमारा ये तैयार है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरह से ये तैयार है, देख सकते हैं ये आपका चटनी तैयार, ग्रीन चिली एंड गार्लिक चटनी। बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका, आप एक बार ज़रूर इसको कोशिश करें, ट्राई करें घर पे। ये मैं यहाँ, क्योंकि मैं अभी इसको बस परोस रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा खाने का समय हो गया, करीबन 9 बज रहा है रात का, तो मैं इसको अभी यूज़ करूँगा, इसीलिए मैंने अपने प्लेट पे रख लिया अपने डेस्क पर, देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सब्जी भी लूँगा, ऐसा नहीं कि इसी के साथ मैं करूँगा, ये बीच बीच में मतलब आपका टेस्ट बहुत बना के रखता है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं पिकल आई मीन टू से चटनी मेरा तैयार है, ग्रीन चिली गार्लिक चटनी, और मैं इसको अभी सेवन करने वाला हूँ इसका, बढ़िया से लाजवाब। तो मैंने तो तैयार कर लिया, आप लोग भी तैयार करें अपने घर पे, और मिलते हैं नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, ब्लॉगिंग करेंगे, देखते हैं कब समय मिलता है हमको। तो बीच बीच में मैं आपको ऐसे कुछ रेसिपी बताते जाऊंगा, बताता रहूंगा, कुछ भी हम लोग करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहे सब कोई, और बी हैप्पी इन योर लाइफ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कभी भी नहीं, और हम लोग ऐसे नया नया चीज करते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलते हैं। सो थैंक यू टू ऑल।